जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। जातीय जनगणना पर रोक हटाने से इनकार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाई थी, तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार, ये बड़ी खबर और नीतीश सरकार को एक बड़ा झटका। बिहार सरकार ने जब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था तब फैसले को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट से भी अब नीतीश सरकार को निराशा हाथ लगी है, झटका लगा है हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। तो बिहार सरकार को एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से। जातीय जनगणना को लेकर जो याचिका यहां पर लगाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और रोक हटाने से इनकार कर दिया गया है। और हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने यह कहा था कि हाईकोर्ट ने मामले में हमारा पूरा पक्ष नहीं सुना। जाहिर तौर पर नीतीश सरकार को राहत की उम्मीद थी, लेकिन अब झटका ही हाथ लगा है। बिल्कुल, कोई राहत नहीं मिली है बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से। और बिहार सरकार के वकील की तरफ से कहा गया कि सर्वे का 80% काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 10 दिन का वक्त और चाहिए और सर्वे पूरा हो जाएगा और उसके बाद हाईकोर्ट का जो भी निष्कर्ष रहेगा उसको बिहार सरकार मानेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हाईकोर्ट ने पहली नजर में जो जातिगत सर्वे है उसको असंवैधानिक माना है और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई दी है, तो ऐसी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के दखल का कोई औचित्य नहीं बनता। उन्होंने बिहार सरकार के वकील से कोर्ट ने ये कहा कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी दलीलें रखना चाहते हैं हाईकोर्ट के सामने 3 जुलाई को रखिए। अगर हाईकोर्ट किसी वजह से 3 जुलाई को फाइनल सुनवाई नहीं करता है तो ऐसी सूरत में आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस केस की मेरिट के आधार पर। अब देखना यही होगा अरविंद की आगे सरकार का क्या रुख रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। Zee News.